सो गाइज, ये है KDM का एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, और आज इस वीडियो में इस स्पीकर का मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो ये है इसका बॉक्स पैकिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये यहाँ पे जो है इसकी इमेज है, इस तरह से यहाँ पे आपको स्पीकर इस बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है मैं बता देता हूँ कि ये जो है 5 कलर में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मेरे पास फिलहाल ब्लैक कलर है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ, और इसके अंदर एक यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है, इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। तो चलिए इसको निकालते हैं। मेरे ख्याल से इसमें केबल हो सकता है। वाह, क्या बात है। केबल के साथ यहाँ पे जो है आपको एक हुक भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये स्पीकर पे आप इसको लगा सकते हैं, ये एक हुक है। और ये जो है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक का नहीं है, मेटल का ही है। और यहाँ पे ये जो है एक चार्जिंग के लिए केबल भी दिया गया है। इसके अलावा देखते हैं अंदर, एक यूज़र मैनुअल भी आपको देखने को मिल जाएगा। पहले मैं स्पीकर को बाहर निकाल लेता हूँ। ये स्पीकर को बाहर निकाला मैंने, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये जो है यूज़र मैनुअल भी इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको रखते हैं साइड में, बॉक्स को भी मैं साइड में रख देता हूँ। और ये जो स्पीकर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्पीकर यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का यहाँ पे लुक और डिज़ाइन इसका देखने को मिल जाएगा। और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पैनल है ये पूरा मेटल का है, और बहुत ही कमाल का लुक यहाँ पे ये दे रहा है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फिनिशिंग है इसका। और बैक साइड पे मैं आपको दिखा दूँ, बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं, ये भी मेटल का पैनल है और बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है, और आगे भी इसके अंदर जो है स्पीकर ग्रिल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और लुक और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इसका है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड में, तो साइड से मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। और नीचे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ जो है इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आगे की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स वगैरह जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है, प्ले पॉज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे बटन्स मिल जाएंगे। और ये जो बॉडी आप देख रहे हैं ये रबराइज बॉडी है, और यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी है। ये चारों तरफ आप बॉडी देख रहे हैं जो ब्लैक कलर में यहाँ पे जो है मैट फिनिश के साथ, ये रबराइज बॉडी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आप ये हुक लगा सकते हैं। मैं आपको इसको चलिए लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से जो है ये यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें, तो सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, और आपको कुछ मेरे पास ऑडियो सैंपल्स है वो मैं प्ले Welcome करके to आपको दिखा देता KDM हूँ। Music World. तो चलिए ये ऑन हो चुका है, Bluetooth device is ready to connect. और कुछ मेरे पास यहाँ पे म्यूज़िक है वो मैं प्ले करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ पहले मैं ऑन कर लेता हूँ, ये अभी ऑन नहीं किया था मैंने, तो कनेक्ट हुआ नहीं। The Bluetooth device is connected successfully. चलिए अभी सक्सेस हो गया है, कनेक्टेड भी है। इसको मैं प्ले करता हूँ। इसका मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जो है मैं दूसरा अभी म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक यहाँ पे मेरे पास म्यूज़िक है, उसको प्ले करते हैं। कुछ और म्यूजिक मेरे पास है, उसको भी प्ले करके देख लेते हैं।
गाइस, ये आपने अभी ऑडियो सुना, बहुत ही कमाल का यहाँ पे आउटपुट है इसका, और बेस बहुत ही अच्छा है और ऑडियो क्लैरिटी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस स्पीकर के साथ में। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन वगैरह दिया गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक माइक्रो स्लॉट दिया गया है, उसके बाजू में एक USB पोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसके बाजू में यहाँ पे जो है एक माइक्रो SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे ऑक्स केबल का इस्तेमाल करके भी स्पीकर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके ऊपर ये कवर है, ये भी रबराइज कवर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ऑल ओवर अगर बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो बहुत ही कमाल का ये स्पीकर है और साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर इसके मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ, तो ये आराम से आपको 6 से 7 घंटे का ये बैटरी बैकअप आपको दे देता है। और चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये आपको 1.5 से 2 घंटे में ये स्पीकर पूरा चार्ज हो जाएगा। सो गाइज, ये था KDM स्पीकर का अनबॉक्सिंग। इसका मॉडल नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया, KDM SP450। और ये जो स्पीकर है ये आपको ऑफलाइन ही अभी मिलेगा, ऑनलाइन अगर आपको लेना है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है वो टाइम जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी KDM ने जो है वो अपने सारे प्रोडक्ट जो है वो ऑफलाइन मार्केट में ही अभी बेचना चालू किए हैं, और थोड़े टाइम के बाद जो है आपको शायद ऑनलाइन पे ये प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिल जाए। तो फिलहाल ये जो प्रोडक्ट है, आप अगर इसको खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज़ करना होगा। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ, तो प्राइस जो है यहाँ पर स्पीकर का 800 से लेकर 1000 रुपये के बीच में ये होने वाला है। और ये स्पीकर जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर है, अगर आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए वो भी बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, तो ये डेफिनेटली ये जो स्पीकर है आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे नोटिस किया है जो क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये जो स्पीकर है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए गैजेट्स टेक्निकल।